हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवे में कॉनकोर और कॉनराज क्या होते हैं और इनका यूज कहां किया जाता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कॉनकोर, जिसका पूरा नाम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना मार्च 1988 में की गई थी, जिसे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में रखा गया है। इसके ऑपरेशन की शुरुआत नवंबर 1989 से 7ICD मतलब कि इनलैंड कंटेनर डिपो से हुई थी। दोस्तों कॉनकोर का मुख्य काम है लोगों के कार्गो, जैसे कि बड़े बड़े कीमती सामान, गाड़ियों, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सब्जियों, फलों को देश के एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाना। वर्तमान में इस कंपनी के पास 14,268 हाई स्पीड कंटेनर वैगन है और सभी राज्यों को मिलाकर टोटल 68 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं। दोस्तों कॉनकोर आज देश की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि कार्गो कैरियर, टर्मिनल ऑपरेटर, वेयर हाउस ऑपरेटर की सेवाएं प्रदान करती है और सामान को सुरक्षित उनके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाती है। दोस्तों जब कोई बड़े बड़े सामान दूसरे देश से शिप के माध्यम से या एरोप्लेन के द्वारा आते हैं तो पोर्ट से लेकर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कॉनकोर का होता है। कॉनकोर का नेटवर्क देश के सभी जगह समुद्री पोर्ट पर मौजूद है। आज कॉनकोर के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर, डबल कंटेनर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इंडिया के लगभग सभी रेल कंटेनर ट्रैफिक कॉनकोर के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। दोस्तों कॉनकोर में कुछ ऐसे गारंटी डिलीवरी कंटेनर हैं जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक है, जिसके लिए 35 रेल कॉरिडोर सुटेबल रूप से आइडेंटिफाई किए गए हैं। दोस्तों कुछ फास्ट कंटेनर जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक है और जिसे स्पेशली मुंबई दिल्ली रूट पर चलाया जाता है, वैसे कंटेनर को कॉनराज बोला जाता है, जो कि वडोदरा तक बिना किसी स्टॉप्स के आते हैं। आज कॉनकोर के पास बहुत सारे आधुनिक फीचर्स, जिसमें कंटेनर को आसानी से कम समय में खाली करने की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि इंडियन रेलवे में कॉनकोर और कॉनराज क्या होते हैं और इनका यूज किस लिए किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।